मैं एक धर्म विशेष की समर्पित साधिका हूं। मेरा नाम भवानी है। जिस धर्म से संबंधित है उसका नाम लिखा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मुझे ओम का जाप करने की दीक्षा दी गई है। बाबा जी 11 वर्ष से लगातार ओम का जाप कर रही हूं, कुछ नहीं मिला। आपकी वीडियो सुनी जो मस्ती की फुहार सुनते वक्त ही आई, तो मन में ख्याल आया कि जब वो फुहार मेरे ऊपर गिरेगी तो मेरी दशा क्या होगी। कंठ सूख जाता है, थक जाती हूं। ओंकार ओम 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 बरसों से लगातार सुबह उठकर शाम को ओम का अभ्यास कर रही हूं। बाबा जी मैं कहां गलत हूं, आपकी शरण में आई हूं। मार्गदर्शन कीजिएगा। भवानी, जाप करना छोड़ दो। नाद का उच्चारण करना छोड़ दो। देखिए, घर में कितने ही फवारे लगा दो और उन फुहारों के तले तुम नहाओ, लेकिन जो मजा मूसलाधार मेघों के, काले मेघों के बरसते, मूसलाधार बारिश के भीतर बैठ के ऊपर गिरेगा जो समुद्र, वो बात फवारों से कहां बनने वाली। ये मूर्ख लोग हैं जो ओंकार की ध्वनि और नाद को आपको जपने की प्रेरणा देते हैं। गल से निकालने की आवाज निकाल के मुख को काक की तरह करके अलग अलग मुद्राओं से ओम की आवाज का आपको उपदेश देते हैं। बंद कर दो भवानी। जब इतने सालों से कुछ ना मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलने को है। मैं तुम्हें लिखित गारंटी दे देता हूं। इसीलिए मैं इन आध्यात्मिक साधना केंद्रों का विरोध करता हूं। भवानी, आज तक वो जिसको मिला है, जब मिला है, मौन में मिला है, बोलने से नहीं मिला है। परम मौन की अवस्था में उसकी कृपा उतरा करती है। नकली फवारों का नहाने के लिए आयोजन मत करो, मूसलाधार बारिश का इंतजार करो। वो काले बादल जो झूम के आपके सर के ऊपर आके नाचेंगे और बरसेंगे, इंतजार करो उस वेला का। ओम की ध्वनि
निकाली नहीं है अपने घर से। ओम का जाप अपने मुख से करना नहीं है भवानी। बहुत फर्क है असल में और नकल में। लोग मुझे अक्सर कह देते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई राम कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहगुरु कह देता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अगर ईश्वर का नाम होता तो वो खुद ही ना बता देता, बता तो रहा है। तुम अगर बहरे हो, तुम अगर वहां जाते नहीं जहां वो अपना नाम बोल रहा है, तो कसूर किसका? बोल रहा है भवानी, उसे बोलने दो। ओंकार का नाद तुम्हारे भीतर सतत प्रभा से तेजी से खुद ब खुद ईश्वर की सत्ता जप रही है। ओंकार के नाद से उस परम का महिमा का गुणगान चौबीसों घंटे होता रहता है। अनादि अनादि काल से ये गुंजायमान है और अनंत अनंत काल तक ये गुंजायमान रहेगा। तुम इसे नाद को गले से निकालने की कोशिश करना बंद कर दो। जब इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो ध्यान रखना अंत में खाली हाथ जाने को हो। भवानी जागो। अगर गुरु मूर्ख हो जाए तो तुम्हें मूर्ख नहीं रहना चाहिए, तो क्या करें? देखिए, एक द्वार है हमारे भीतर जहां पर ओम का गुंजार स्वतः चल रहा है। तुम तो किसानी के पेशे से संबंधित है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बाप किसान है। तुमने कभी अपने खेत खलिहान में देर रात जाके सुना होगा एक आवाज जैसे झिंगुर की होती है, कौन बजाता है उस आवाज को? अगर तुम उसके देखा देखी झिंगुर की आवाज अपने मुख से निकालना शुरू कर दो तो ये एक मूर्खता ही तो होगी भवानी। हर वक्त हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता दादा परदादा और हजारों पीढ़ियां कब से सुनती आई हैं, और हमारी लाखों लाखों अनंत अनंत पीढ़ियां इस सन्नाटे की आवाज को सुनेंगी जब भी वो सन्नाटे के पास जाएंगी। तुम बाजार में हो, बाजार की तीव्र लहरों के भीतर तुम्हारे सन्नाटे की आवाज खो जाती है। बहको मत, अब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें स्पष्ट स्पष्ट बता दूं कि ये आवाज जपने को नहीं होती है। जैसे सन्नाटे की आवाज तुम्हारे खेतों खलिहानों के बाहर सुनाई देती है झिंगुर जैसी, ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारे भीतर ओम की आवाज स्वतः गूंज रही है। तुमने उसके पास जाना है।
तुम्हारा हाल उस प्यासे की तरह है जो कुएं के पास खड़ा है और पानी 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 की पुकार किए जा रहा है। याद रखना, मर जाओगी, कुएं का पानी तुम्हारे कंठ को गीला ना कर पाएगा, मजबूर है। कुएं का पानी पीना है तो स्वयं कुएं के भीतर से पानी निकालने का आयोजन करना होगा और फिर उस पानी से अपने कंठ की प्यास और अपने शरीर की प्यास बुझानी होगी। कंठ और प्राण तृप्त करने होंगे उस शीतल जल को पान करके। पानी पानी कहे से प्यास नहीं मिटेगी भवानी, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटेगी भवानी। तुम्हारा यही हाल है, तुम्हारे जो समझाने वाले, तुम्हारे दीक्षा देने वाले गुरुओं ने तुम्हें जो समझाया है उसे फेंक दो कूड़ेदान में। इतने वर्षों से आवाज ओम की निकाल रही हो, कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलने को है। मैं लिखित गारंटी देता हूं, इन लोगों ने अपने भीतर उस तल पर जाकर उस ओम की ध्वनि को कभी नहीं सुना है। एक बार भी अगर वो उस ध्वनि को सुन लेते जाकर जो स्वतः ही गूंज रही है, तो ये ओम जपना बंद कर देते। जैसे सन्नाटे की आवाज तुम एकांत में जाके सुनती हो और उससे पहले तुम संसार की खनखनाहट के बीच में अगर सन्नाटे की आवाज लगातार निरंतर निकाल रही थी और एक दिन तुम सहसा ही अपने खेतों खलिहानों में जाकर वो आवाज होती हुई खुद बखुद सुनोगी, तो तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि मैंने कितनी मूर्खता की, जो आवाज सुननी होती है उसको मैं बोल रही। जो जप सुनना होता है उसको तुम सुना रहे हो अपने कंठ के द्वारा। जिस ओम की ध्वनि को अपने भीतर उतर के उस ईश्वर के द्वारा सुनाई गई उस ध्वनि को, मधुर ध्वनि को सुनना होता है, उसे तुम अपने कंठ से लोगों को सुना रहे हो या अपने आप को भरमा रहे हो। कुछ नहीं मिलने को है भवानी, निस्संदेह बंद कर दो। मुझसे पूछ लिया है तो मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं मिलने को है। और फिर तुम खुद ही कह रही हो, इतने वर्षों से तुम ओम की ध्वनि निकाल रही हो, तुम्हें कोई शांति का एहसास नहीं हुआ, कोई आनंद की तृप्ति नहीं हुई, तो आगे कैसे हो जाएगी जब फार्मूला ही नहीं बदला। ये आवाज स्वतः सुननी होती है, ये तुम्हारे भीतर हो रही है। ये तो बिल्कुल कबीर का वो दोहा साकार हो गया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन मार। तुम कंठ से उच्चारण कर रहे हो वो ही ध्वनि जो तुम्हारे भीतर स्वतः से ही चल रही है। ऐसे घट में पीव है, तुम्हारे घट के अंदर है ये ध्वनि लगातार चल रही है तुम्हारे घट के अंदर। अपने भीतर उतरो, उस तल पे जाके तुम्हें सुनाई पड़ेगी। तुमने खुद नहीं बोलना है, तुमने खुद ये नकल नहीं करनी है, तुमने खुद ओम की ध्वनि का उच्चारण नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखना। मुझसे मार्गदर्शन मांगा है
तो मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दे दिया। बुल्ले शाह बोलते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं, जहां मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, जित बल वेखा यारो यार। मैं जिधर देखता हूं उधर मेरा यार ही दिखता है। ये यार कौन है? ये वो नाथ, ओंकार का नाथ, हर जगह तुम्हें सुनाई पड़ेगा। जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तोता मार गवाई। मैं से मैना और तू से तोता, मैं और तू का झगड़ा मिटा दिया मैंने। जा मैं रमज इश्क दी पाई, जब मैंने रमज पहचान ली इश्क की, तो मैं और तू, मैना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई। तुम सिर्फ बाहर की सफाई मात्र ही कर लेते हो, भीतर की सफाई तुम कभी नहीं करते। और भीतर की सफाई कैसे होती है? भीतर की सफाई होती है इस ध्वनि को सुनने से। वहां कोई आदमी झाड़ू नहीं ले जा सकता, वहां कोई आदमी सफाई का यंत्र नहीं ले जा सकता, वहां तो सिर्फ खुद ही जाना होता है अहम को त्याग के। जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, जित बल वेखा यारो यार। अब तुम उस सन्नाटे को जो अपने खेतों खलिहानों में सुन रहे हो, जिधर भी सुनते हो उधर वो ही तो नजर आता है। सुना तुमने? अपने खेतों के भीतर जाके कोई ऐसी जगह है जहां वो सन्नाटे की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? बिल्कुल ऐसा ही। तुम्हारे भीतर जब तुम गहरे में उतरोगे तो हर जगह से आपको ये ओंकार का नाद लाखों दिशाओं से घेर लेगा। ओ कहने की आवश्यकता नहीं है। और इतने मधुर संगीत से युक्त होगी ये ध्वनि कि आपको मतमस्त कर देगी, आपको मदहोश कर देगी, आपके होश को गवा देगी, मस्ती से युक्त कर देगी। तुम ऐसे हो जाओगे लड़खड़ाते से लड़खड़ाते से लड़खड़ाते से, जैसे कुछ शराब पी ली हो। उस ओंकार की ध्वनि को सुनना ही इतना मजेदार है कि तुम्हारी ध्वनि को निकालते निकालते तुम थक जाती हो, लेकिन उस ध्वनि को सुनते सुनते तुम थकोगी नहीं, तुम ऊर्जावान हो जाओगे। यू विल बी एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे तुम सुनोगी वैसे वैसे तुम शांत हो जाओगी, जैसे जैसे तुम सुनोगी वैसे वैसे तुम आनंद से ग्रसित हो जाओगी। आनंद तुम्हें घेर लेगा और मस्ती का सुरूर बनकर तुम्हारे दिल और दिमाग पर छा जाएगा। छोड़ दो इस नकली ओम के गुंजार को, गूंजने को, जपने को छोड़ दो, अन्यथा एक मूर्खता को तुम सदा के लिए दोहराती हुई रह जाओगी और प्राण त्याग दोगी।
इश्क दी नमियों नमी बहार, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, जब मैंने इश्क का सबक पढ़ लिया, प्रेम का सबक पढ़ लिया। प्रेम क्या है? परमात्मा। जब मैंने परमात्मा का चैप्टर पढ़ लिया, अध्याय पढ़ लिया, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, मस्जिद से डर गया, भागा डेरे जा ठाकर दे वड़िया। प्रभु के दरबार में, ठाकर के दरबार में घुस गया जाके। ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं। अपने भीतर जो तुम्हारा ठाकर का द्वारा है वहां चले जाना। जा मैं सबर इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, तेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदा नाद हजार। ये नाद है ओंकार का जो बुले शाह ने सुना, वहां जाकर हजारों प्रकार के मस्त करने वाली ध्वनियों के भीतर जब तुम उतरोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, बोलती बंद हो जाएगी। तुम तो इस बोलती से इस ओंकार को भी बोलने का प्रयत्न करती हो नहीं? जपना नहीं है, सुनना है। मैं रोज कहता हूं, सिमरन नहीं करना है, श्रवण करना है। श्रवण करना है, सिमरन नहीं करना है। सुनना है, जपना नहीं है। जिथे वजदा नाद हजार, हजारों तरह के नाद बजते हैं ओंकार, और इतनी मस्त ध्वनियां हैं जैसे कोई एक गायिका गाती हो तो आपने देखा पीछे कतार बैठी होती है साज लिए, अपने अपने साज लिए बैठी होती है। वो हजारों की सैकड़ों की तादाद में होते, गाने वाला एक होता है, एक वो गाने वाला एक आज भी है, और वो नाद को बजाने वाले अनेक आज भी हैं। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हरे, ये बाबा जी कहते हैं, नानक। और बुल्ले शाह कहता है कि जद मैं इश्क सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, डेरे जा ठाकुर दे वड़िया, जिथे वजदा नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। नई नई तरंगे, नई नई ध्वनिया, सुंदर सुंदर तम रसीली, रसयुक्त मीठी, जो मस्त कर देती है। जैसे तुमने कोई स्वाद शराब पी ली हो, झूम झूम जाते हो, तो डालते हो पांव किस तरफ, पड़ता है किस तरफ। बाबा नानक कहते हैं, सो दर के हा सो कर के हा, जित बै सर्ब संभाले। पूछता है परमात्मा से, जानते हैं बाबा लेकिन हमारे लिए बोलते हैं। सो दर के हा सो कर के हा, जित बै सर्ब संभाले। बाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हर, केते राग परीसों कहें,
सो दर के हा, सो कर के हा, जित वै सर्प संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे, केते राग परिस्यो कहियन, केते गावन हारे। उसी जगह की बात कर रहे हैं बाबा नानक। गावई तुनो पौन पानी वै संतर। कौन कौन गाता है तुझे? गावई तुनो पौन पानी वै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे। गावई चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावई ईश्वर बर्मा देवी। कितने कितने लोग, ब्रह्मा गाता है, देवियां गाती हैं, चित्रगुप्त गाते हैं, धर्मराज गाते हैं। गावे राजा धर्म द्वारे, गावई चित्त गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावई ईसर गावई बर्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावई इंद इंदासन बैठे, इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र गाते हैं। देवतियां दर नाले, और साथ में देवता भी गा रहे हैं सभी। गावई सिद्ध समाधि अंदर, कितना प्यारा शब्द है। जो समाधि के भीतर चले जाते हैं वो भी गाते हैं। थोड़ा और आगे जाना होता है सुनने के लिए, और आगे जाना होता है। गावई सिद्ध समाधि अंदर, गावई साध बेचारे। जो साधु हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पवित्र रहो, प्रसन्न रहो, किसी को दिल मत दुखाओ, झूठ मत बोलो, ऐसी ऐसी, मैं इनको धार्मिक संप्रदाय नहीं कहता, मैं इनको सिर्फ एक पवित्र यूनियंस कहता हूं। पवित्र संग्रहालय, जहां पर पवित्र आत्माएं बैठी हैं, सिर्फ ना झूठ बोलती हैं, कोई दाग नहीं है इनके वस्त्रों पे, मीठा बोलती हैं। शुरुआत तो यहीं से करनी होती है, लेकिन आगे भी तो जाना होता है। शुरुआत पे ही तो चौकड़ी मार के नहीं बैठ जाना होता है, आगे जाना होता है। गावई ही साध बिचारे, गावई जति सती संतोखी, गावई वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, पंडित जाते हैं, बड़े बड़े पंडित, समझदार, ज्ञानवान, ज्ञानी जन गाते हैं। जुग जुग वेदा नाले, वेद पुराण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सभी प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं। गावई मोहनिया मनमोहन, जो मन को मोह लेती हैं वो गाते हैं, अप्सराएं गाती हैं, नृत्यंगनाएं गाती हैं, नाच नाच के गाती हैं, नृत्य से गाते हैं। गावई मोहनिया मनमोहन, सुरगा मच्छ प्याले, स्वर्ग में जैसी अप्सराएं प्यालों को ढाल ढाल के देवताओं के सामने नाचती हैं, वो भी गाती हैं, नाचती नाचती गाती हैं। गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीर्थ नाले, 68 तीर्थों के ऊपर बैठे हुए लोग भी गाते हैं। कौन नहीं गाता तेरी महिमा को, वो भीतर से उभरती हुई आवाज, नाद भीतर से आती हुई वो
ओम की ध्वनि 68 तीर्थ के ऊपर बैठे हुए संत जन भी गाते हैं। गावई जोद महाबल सूरा, गावई खानी चारे, गावई खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे। सोई तुदनु गावे जो तुद पावन। बड़े सुंदर शब्द बोल रहे हैं बाबा जी। सब कुछ बोल के भी आखिर में सभी चीजों का सार भी बोल पड़ते हैं। कहते हैं सिर्फ वही लोग गाते हैं जिस पर तेरी कृपा दृष्टि होती है। वो तो गा ही नहीं सकता जिसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि ही नहीं होती। जिस पर तेरी कृपा नहीं होती वो तो गा ही नहीं सकता। वो ही सिर्फ गा सकता है जिसके ऊपर तेरा हुक्म होता है, वो ही गा सकता है। सोई तुदनो गावई जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते गावन। जो तेरे भगत हैं, जो तेरे रंग में रंग गए हैं वो गाते हैं। रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते गावन, सो मैं चित न आवन। सभी मेरे मुझको याद नहीं आता है इस वक्त, भूल गया मैं तुझे कौन कौन गाता है, मैं भूल गया हूं। तुझे सभी गाते हैं, मस्त होके गाते हैं। सो में चित न आवन, वो मेरे सभी दिमाग में याद नहीं है। कौन कौन नहीं गाता, सभी गाते। नानक क्या विचारे, मैं विचार करके किस किस का नाम याद कर पाऊंगा। तुझे सभी गाते हैं। देखिए धरती में से पानी दो तरह से निकल सकता है, अच्छी तरह से समझ लेना भवानी, नहीं चूक जाओगे। धरती में से पानी दो तरह से निकल सकता है, एक तो आप कुआं खोद के पानी निकाल सकते हो, वो भी पानी होगा। आपको कुएं से धरती खोदनी होगी कुएं को निकालने के लिए, और पानी को खींच के बाहर लाना पड़ेगा। लेकिन एक और पानी भी धरती के भीतर से निकला करता है, वो कौन सा होता है? वो ही तुमने धरती के भीतर से पानी निकालना है। वो होता है किसी झरने का पानी। झरने के ऊपर कोई पत्थर रखा हो और झरना फूटता ना हो उस पत्थर के कारण, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें उस पत्थर को उस झरने के ऊपर से उठाना होगा। जैसे ही तुम उस बाधा को उस झरने के ऊपर से उठा लोगे, तैसे ही झरना फूट के बाहर आ जाएगा। पवित्र शीतल शुभ्र सफेद जल उछल के आएगा और तुम्हें नहा देगा, तुम्हारी सारी प्यास बुझा देगा। ईश्वर झरने की तरह प्रकट हो रहा है, तुम कुएं की तरह प्रकट करने की चेष्टा मत करना, चूक जाओगी। तुम कुएं की तरह प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हो, तुम ओम का जाप किए जा रहे हो। ये कुएं को खोद खोद कर पानी निकालने जैसा है,
ये सही नहीं है। भवानी, सही है उस बाधा को हटा दो, भीतर से जो तरस रहा है झरना बाहर आने के लिए वो प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी प्यास अपने शुभ्र शीतल जल से बरस के बचा देगा और तुम्हें नहा भी देगा। बुल्ले शाह कहते हैं कि भीतर और बाहर से मैं पवित्र हो गया। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदा नाद हजार। जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, अंदर बाहर होई सफाई, जित बल वेखा यारो यार। अंदर बाहर होई सफाई, ये जो भीतर का झरना फूटेगा ये तुम्हारे ऊपर बरसेगा भी, तुम्हारे कंठ को प्यास से मुक्त भी कर देगा। भवानी, इस झरने को प्रकट करने का नाम समाधि है। जिस समाधि की तरफ, जिस शांति की तरफ तुम चली जा रही हो वो रास्ता गलत है। शांति कभी भी प्रयास से नहीं पाई जाती, शांति कभी बोल के नहीं पाई जा सकती, शांति मौन से पाई जाती है। भवानी, मौन, परम मौन। और जैसे जैसे तुम मौन होती जाओगी वैसे वैसे शांति के करीब पहुंचती जाओगी, और जैसे जैसे तुम बोलते जाओगी, बोलना शुरू कर देगी, तुम्हारी शांति भंग होती जाएगी। यद्यपि हमारे धर्म शास्त्रों ने, हमारे धर्म शास्त्रज्ञों ने हमारे मन के भीतर ये कूड़ा भर दिया है कि ओम का जाप करना होगा, कंठ से उच्चारण करना होगा, भूल जाओ, इन सड़ी हुई परंपराओं को कूड़ेदानी में फेंक दो। वहां पहुंच जाओ तुम्हारे भीतर के उस स्थल पर जहां ओम की बरसात हो रही है, जैसे बियाबान तुम्हारे खेतों में सन्नाटे की बौछार हो रही है, ऐसे ही भीतर उस तल पर ओम की बौछार हो रही है, परम प्रेम की ध्वनि। और कितने रागनी के गाने वाले, बजाने वाले वहां बैठे, सहसों प्रकार के नाथ लिए लोग बैठे और गा रहे हैं, बजा रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, और उस मस्ती से कितने लोग नाच रहे हैं, कितनी अप्सराएं नाच नाच के इसका आनंद मान रही हैं। गायें मोहनियां, मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले, गावन रतन उपाये तेरे अठसठ तीर्थ नाले, गावई जोत महाबल सूरा, गावई खानी चारे, चारा खाने वाले भी गाते हैं। गावई खंड मंडल पर पंडा, कर कर रखे तारे। पर एक बात कहते हैं, अगर तुम पर ईश्वर की कृपा नहीं हुई, ये जो कंठ से उच्चारण करते हैं इन पर अभी ईश्वर की कृपा नहीं हुई। क्यों? अगर इन पर ईश्वर की कृपा हो गई होती तो भवानी ये सुनने लग जाती, इनको बोलने का प्रयास करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती। सोई तुदनों गावई जो तुद पावन, जो तुझे अच्छा लगता है
वो ही इस नाद को गा पाता है। रत्ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन सो मैं चितना आमन नानक क्या विचारे। नानक को विचार में नहीं आता, भूल गया हूं मैं। अगर तुमने इस ओम की ध्वनि को ऐसे ही गल से निकालना शुरू किया तो पछताओगी एक दिन जाकर, क्योंकि सभी संतों ने बात जो कही है वो उस तल पे जाकर उस ध्वनि को सुनने की कही है। तुमने गलत सुन लिया, तुम्हारे उपदेशकों ने गलत सुन लिया, तुमने गलत लोगों के पास शरण ले ली। छोड़ दो, उस सथल को छोड़ दो, उस संप्रदाय को छोड़ दो, भवानी अपने भीतर के सथल पर जाओ, उन जगहों से मुक्त हो जाओ, अपने भीतर उतरो, अपने घर में बैठो, आराम से बैठो और अपने भीतर उस सथल पर उतरो, उस जगह पे उतरो जहां ओम का उच्चारण हो रहा है। सुनना है, जपना नहीं है भवानी। नाद का उच्चारण करना नहीं है, सुनना है भवानी। ये बात ध्यान में रखना। और अगर तुम लगातार यही कुछ करती रही, मैंने तो अपना मार्गदर्शन तुम्हें दे दिया है कि उस तल पर भीतर उतरो तो तुम्हें ओंकार का नाद सुनता हुआ दिखाई देगा और तुम तो बड़े बेसुरे ढंग से ओम की आवाज निकालती होगी। कोई बड़े से बड़ा गायक या गायिका वैसी मधुर वाणी का खरबवां हिस्सा भी नहीं निकाल सकता जैसी सुंदर हर लेने वाली वाणी उस तल से प्रकट हुआ करती है। जब तुम सुनोगे तो गश खा जाओगे, मदहोश हो जाओगे, उस तल की तरफ यात्रा करने के लिए निकल पड़ो। अगर तुम्हारे पर ईश्वर की कृपा हो गई है निकलोगे तो तभी, अगर ईश्वर की कृपा नहीं हुई है तो फिर मैं एक शेर बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। इत्तदाए इश्क है रोता है क्या, गलत जगह फंस गई भवानी। यहां ओंकार का नाद करती ही रहोगी, करती करती मर जाओगी, अंतिम बेड़ा आ जाएगा, उस ओंकार का होता हुआ नाद न सुन पाओगी। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।